निफ्टी का डायरेक्शन क्या है, बुलिश है या बेरिश है? अगर आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूं कि निफ्टी का डायरेक्शन, या तो बैंक निफ्टी का वीडियो अलग से मैं आपके लिए बना दूंगा, निफ्टी का डायरेक्शन इज वेट एंड वॉच, या तो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते रहिए। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं मेरे खुद के ट्रेड में, अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो, अच्छा ट्रेड है, प्रॉफिट दे रहा है, इन जस्ट फ्यू मिनट्स इट जस्ट गोज द वे राउंड। एक बड़ी कैंडल बना के सब कुछ तहस नहस कर देता है, एक बड़ी कैंडल बना के सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो अगर आपको निफ्टी को ट्रेड करना है, मेरे हिसाब से, क्योंकि इंडिया वीक्स ऑलरेडी डाउन हो चुका है, 14 के आसपास चल रहा है आज, उसमें और भी 1% का गिरावट हुआ है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अभी वो बड़ी यू नो वोलेटाइल दिन नहीं रहे 15-16, जब आप एक ट्रेड लो और लंबे वक्त तक एक ट्रेड के एक डायरेक्शन के ऊपर बने रहो और डे एंड में आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। तो ये मेरी पहली बात आप ध्यान में रखें, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, लंबे वक्त तक रुकने से बदले प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर फोकस करें। ये मेरी आपसे लिए कल की निफ्टी की पहली स्ट्रेटेजी है। कोई अच्छा ट्रेड मिले, थोड़ा प्रॉफिट दुखे, एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी तो बुक कर लीजिए एंड देन सी हाउ इट गोज, राइट? अगर आप मेरी बात से अग्री कर रहे हैं, यू कैन टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स। और चलिए हम चले जाते हैं निफ्टी की डेली चार्ट के अंदर। आज निफ्टी ने 49 पॉइंट्स डाउन जाके क्लोज दिया है 22,356 पे। तो चलिए तीन लेवल जो हमारे लिए हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसको मार्क कर देते हैं। एक आज का हाई विच इज 22,416, तो 22,416 को मार्क कर देंगे। आज का जो लो बना हुआ है विच इज 22,269, तो वहां पे मार्क कर देते हैं। और आज का जो क्लोज आया है विच इज 22,356, इसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं। अब ये क्लोज को जैसे ही मार्क किया ना, आपको एक चीज पता चलनी चाहिए, क्या? जो फ्राइडे 1st of March को बड़ा मूव आया था निफ्टी के अंदर, 300 पॉइंट्स का मूव आया था, उसका जो हाई था दैट वाज 22,353 और आज क्लोज दिया है 22,356। कहीं ना कहीं ये लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो कल अगर कल के दिन फ्लैट ओपन होता है, कल के दिन में मेरे हिसाब से अगर कोई सबसे जरूरी चीज है तो वो है फ्लैट ओपन होना। अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो एज ए इंट्राडे ट्रेडर हमारे लिए ज्यादा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगी, राइट? अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल गया तो एज ए इंट्राडे ट्रेडर हमारे पास कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगी। बट अगर फ्लैट ओपन होता है, उसके बाद जिस भी तरफ ब्रेकआउट देगा वहां पे हम अपनी एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं और वहां पे एक छोटा ट्रेड ले सकते हैं। पहले तो बता ही दिया है कि ट्रेड भले लो कोई दिक्कत नहीं, बट एक चीज को फोकस करना, ऐसा नहीं कि चलो 10 o'clock को ट्रेड लिया, 3 बजे तक वेट कर रहे हैं। हाँ, जरा भी सस्पिशियस चीज दिखे प्रॉफिट बुक कर लेना, बिकॉज दैट इज समथिंग, दैट इज द काइंड ऑफ मार्केट इज देयर। सो अगर कर ऊपर की तरफ जाएगा तो पहला टारगेट हमारा होगा 22,416, दूसरा जहां पर लाइफ टाइम हाई बना है 441, और उसके बाद ऑब्वियसली 22,500 का एक बिग राउंड नंबर है जिसके आसपास हम हमारा टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो 22,500 बिग राउंड नंबर के हिसाब से, ये थियरी के हिसाब से भी एक अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा, अच्छा लेवल बनेगा, इस चीज को आप ध्यान में रखें। और ऊपर चाहिए तो आप फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज कर ही सकते हो, जो मैं मेरे पिछले काफी वीडियोस के अंदर दिखा चुका हूं। खैर, अगर डाउन जाता है 356 से डाउन साइड की तरफ जाता है तो पहला टारगेट अगर हम कहीं पे रख सकते हैं तो वो हमारा टारगेट कहीं पे हो सकता है 314 के आसपास, या तो थोड़ा अगर आप और नीचे आ जाइए तो 295-300 के आसपास एक टारगेट लग सकते हो। उसके बाद जहां पे आज का लो बना है 22,373, उसका टारगेट ले लो। अगर 373 एक बार ब्रेक हो जाए, सॉरी 273, तो फिर आप 210-200 का टारगेट ले लो, 70 पॉइंट्स का टारगेट लेके आप वहां पे चल सकते हो। और अगर 200 का लेवल टूटता है तो फिर यहाँ पे एक अच्छा यू नो स्विंग लो बना हुआ है, जो बना है 22,088 के आसपास, तो 120 पॉइंट का मूव हम वहां पे कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। ये हमारी कल की स्ट्रेटजी रहेगी। आप यहाँ पे देखिए, अगर एक बार 22,200 ब्रेक हो गया ना, फिर जब गिरा था स्पीड से गिरा था, जब बढ़ा था तभी भी स्पीड से बढ़ा था, पास्ट में भी देखिए फटाफट गिरा था फटाफट बढ़ा था, तो इस बीच कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो अगर वहां से गिरेगा तो डेफिनेटली 22,088 तक आ सकता है। ये लेवल मेरे कल के लिए प्लानिंग में रहेंगे। ऑफकोर्स आपको पता ही है, मैं मेरे लेवल पे ही प्लान करता हूँ, लेवल पे ही ट्रेड करता हूँ, और ओआई डेटा का सहारा डेफिनेटली लेते हैं।
आई होप आपको वीडियो से लर्निंग मिल रहा होगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, लेवल ड्रॉ करने में कॉन्फिडेंस आ रहा है, प्लीज टाइप थैंक यू इन द कमेंट बॉक्स, और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।